हम लोग जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। स्टिमुलेंट आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये कैसे इंक्रीज करते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं एट सर्टन, अब ये नहीं है कि सारी साइनेप्सिस में, दे आर द सर्टन साइनेप्सिस, साइनैप इज द स्पेस बिटवीन वन न्यूरोन टू अनदर, तो उस उन साइनैप्सिस में ये लोग क्या करते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। अब इसमें जो कॉमन स्टिमुलेंट यूज़ होता है उसमें हमारे पास कैफीन आ जाती है, निकोटीन आ जाती है, कोकेन आ जाती है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्टिमुलेंट होते हैं ना, ये इनकी एग्जांपल आ गई, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है एट द सर्टन साइनाप्सिस। अब इसकी वजह से होता क्या है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि अलर्टनेस भी ज़्यादा हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है। टू द पॉइंट तो हम कहते हैं कि इसमें अलर्टनेस भी हो रही है, मेमोरी भी इम्प्रूव हो रही है, बट इसका जो अफेक्ट होता है वो सही नहीं होता। हाँ, जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ करता है, और जो एपेटाइट होती है वो डिक्रीज़ करता है। ये